श्री वीरेंद्र कश्यप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले बोल चुके हैं, कुछ संक्षेप में बाकी बोल दीजिएगा। आप बोल चुके हैं ना, से बोलने की पहले सबसे पहले इजाजत आप देंगे? ठीक है, ठीक। ये उपाध्यक्ष महोदय, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2010, इस पर चर्चा जब चल रही थी तो बीच में ही वो रुक गई थी, उसको मैं कंटिन्यू करते हुए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर हम हिंदुस्तान में गरीबों और अमीरों की अलग अलग शिक्षा दे रहे हैं, उसको हमको पहले बराबर करना पड़ेगा, ताकि हिंदुस्तान के गरीब या अमीर बच्चे, देहात के बच्चे या हमारे शहर और गांव के बच्चे जो है, उनको बराबर की एक समान एजुकेशन मिले। ताकि आज इस कंपटीशन के युग में जब बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उस शिक्षा का प्रावधान ठीक तरीके से हो, और वो तभी हो सकता है कि जब हमारे पास वेल क्वालिफाइड, अच्छे प्रशिक्षित जो हैं वो टीचर हो। मैं ये समझता हूँ कि जब ये एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जब हमने ये कमीशन 1964 वाला जो एजुकेशन कमीशन लाया था, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया था शुरू में कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, यानी हमारे देश का भविष्य जो है वो क्लासरूम में जो है अब बनेगा। ये 1964 में हमने, हमारे शिक्षा के निर्माताओं ने जो है उसकी कल्पना की थी, उन्होंने एक सपना देखा था, परंतु आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास शिक्षा का प्रसार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, स्कूल बड़े हैं कोई दो राय नहीं, परंतु आज एजुकेशन के प्रसार को मद्देनजर रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि जहां पर आज हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, हमारे पास बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है। जहां क्लासरूम है वहां पर बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है गांव में अगर देखा जाए, और जहां टाट पट्टी है वहां पर टीचर नहीं है, और जहां टीचर है वो शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, वो ट्रेंड टीचर नहीं है। और यह बड़ी अच्छी बात है कि आज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पर जो अमेंडमेंट आज लाई गई है, उसके माध्यम से ही मैं समझता हूं कि हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे टीचर हमारे हों, ताकि इन टीचर शुड रिमेंबर दैट ही इज वॉच नॉट ओनली बाय स्टूडेंट्स बट बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, हिज प्राइवेट लाइफ आल्सो काउंट्स ए लॉट इन मेकिंग हिम इफेक्टिव, इफ हिज प्राइवेट लाइफ इज नॉट वर्दी of gentleman in consonance with the moral values, he can hardly be effective teacher. To main ye kehna chahta hu ki acha teacher, if we want to produce a good teacher jiska impact hamare bachchon par rahe, jo hamara bhavishya hai kal ka, is desh ka bhavishya hai, to teacher ke madhyam se wo behtar ho sakta hai. To main ye samajhta hu ki teaching ko hum ek profession ke ye hi na rakhe, it should not be a profession only, it is a vocation, a calling, a mission. The most admired teachers are not those who fill up the empty mind, but those who stimulate thinking, inspire and ignite a spark of learning. यानी बच्चों में एक ऐसी भावना भरना, ताकि उस टीचर की मॉरल वैल्यू को देखते हुए, उस टीचर के मॉरल्स को देखते हुए जो है, जिसको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं बच्चों का, उसके ऊपर एक इंपैक्ट होना चाहिए। कृपया समाप्त करें, ताकि अभी शुरू हुआ सर, पहले भी बोले हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, आज हमने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को रखना शुरू कर दिया, बहुत से स्टेट्स में जो है विद्या उपासक रखे गए, कहीं पर जो है वो कहा गया विद्या विद्यार्थी मित्र हैं, कहीं पैरा टीचर्स हैं, इस प्रकार की जो है उन टीचर्स के लिए जो वेल क्वालिफाइड हैं उनको हम लो पे कर रहे हैं, परंतु जो क्वालिफाइड टीचर हैं, जो 20-25 हजार रुपए हमारे गांव के स्कूलों में जेवीटी टीचर जो ले रहे हैं, वहां पर भी हमने एक बात में माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। आज स्थिति आ गई है सर, मैं एक मिनट आपको ध्यान में डालना चाहता हूँ कि स्थिति यह है कि आज प्रॉक्सी टीचर्स पैदा हो रहे हैं,
मैं कपिल जी सिब्बल जी के ध्यान में डालना चाहता हूं, हमारे दूर दराज के देहात में जो ट्राइबल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर प्रॉक्सी टीचर्स हो रहे हैं। प्रॉक्सी टीचर का मतलब यही है कि जो 20-25 हजार रुपया जो टीचर ले रहा है वो 5-6 हजार रुपए पर किसी को वहां पर लगा देता है, बाकी वो अपना काम कर रहा, अपना धंधा चला रहा है। ये सारी बातें जो है आज हमको देखना पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा नुकसान किसको हो रहा है? वो उन बच्चों को हो रहा है जो हिंदुस्तान के 70% बच्चे जो है देहात में रहते हैं, जो हमारे दलित परिवार के बच्चे हैं, ट्राइबल हैं, उनके लिए हम शिक्षा ठीक तरह से नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अच्छे टीचर हमारे हो, उनकी शिक्षा प्रशिक्षण अच्छा हो। और आज अगर हम देख रहे हैं एक जो आंकड़े के अनुसार हिंदुस्तान में 7.72 लाख, एक मिनट सर, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, शिक्षा का देश का है, बोल चुके हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण। हिंदुस्तान में आज 7.72 लाख टीचर जो हैं वो अप्रशिक्षित हैं, और इसमें से जो प्राइमरी टीचर हैं वो 5.47 लाख और 2.25 लाख जो हैं प्राइमरी लेवल के। अगर हमारे पास इतने अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं तो वो पढ़ाएंगे क्या? मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ। खास करके मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक और डालना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी पैनल की जो एक मीटिंग हुई उसमें बहुत सी बातें रखी गई। और साइंस में, क्योंकि मैं स्वयं साइंस का जो है स्टूडेंट हूँ, मैं ये बहुत अच्छा एक आप लोगों ने निर्णय लिया कि उसमें आप लोगों ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए टीचिंग को हमारे को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और जब आप कहते हैं कि वी नीड टू गिव टीचर्स ए पोजीशन ऑफ ऑनर इन सोसाइटी, वन फ्रॉम विच टीचर्स देमसेल्फ एनकरेज एन ओपन एंड क्रिएटिव क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, तो इसमें आपका एक जो निर्णय आया है कि आप 15 लाख ग्रेजुएट करें। सर दो मिनट सर 15 लाख ग्रेजुएट साइंस स्टूडेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 3 लाख पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट करना चाहते हैं, और 30 हजार PhD 2025 तक आपने करने, बड़ी अच्छी बात है। और इसको आप बेहतर तरीके से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो साइंस टीचर्स की हमारे पास कमी रहेगी, साइंटिस्ट की कमी रहेगी, वो पूरी हो सकेगी। मैं एक बात आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आपका जो है पहले बोलना चाहिए। सर एक बड़ी अच्छी योजना लाई गई, क्योंकि आज गांव में जो गरीब से गरीब भी बच्चा है वो भी चाहता कि मेरे भी गले में टाई लगनी चाहिए। आपने 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले और वो सब जिलों में खोले सारे हिंदुस्तान में। आज हमें वहां पर जाने का मौका मिलता है, परंतु वहां पर टीचर्स हमारे को घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि प्रायर टू 1-1-2000 जब ये था, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे इसको पहले बोलना चाहिए आपको ना। पेंशन का मामला है कि 1-1-2004 से पहले इंपॉर्टेंट है तो पीछे बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स की ली गई, पहले क्या बोले, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं अपने मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वह आप जो है उनको पेंशन दीजिए, क्योंकि उन्होंने 1985 में केंद्रीय धन्यवाद के, वो लोग जो है वहाँ पर गए थे, धन्यवाद जवान जवान बच्चा बोल रहा हूँ, धन्यवाद। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, बंद हो गया है, बैठ जाइए। 2 मिनट कितना लंबा होता है, ये 2 मिनट कितना लंबा होता है, मैं ऐसा नहीं होता, बैठ जाइए। एक लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, ये जो नवोदय विद्यालय का है, ये सरकार जो है इनकी समस्या को हल करे। और एक में लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो NCTE है, NCTE में जो अमेंडमेंट लाई गई है बिल्कुल सही अमेंडमेंट है, और इन अमेंडमेंट्स के लिए मैं बिल्कुल सपोर्ट भी करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि NCTE की जो एक्टिविटीज है, जो उनका कार्य प्रणाली है, उसमें आप पारदर्शिता लाएंगे, क्योंकि मैं ये आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि यहां पर बड़ी बंगलिंग होती है NCTE की। जब हमारे इस प्रदेश से यहाँ पर आते हैं तो उनको जो लटकाया जाता है, कई कई साल तक लटकाया जाता है, और लटकाने के बाद जो यहाँ पर लोग बैठे हैं वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि ट्रांसपेरेंसी मस्ट और एनसीटी बेहतर तरीके से कार्य करेगी तो हमारे शिक्षा में अच्छा सुधार होगा, अच्छे टीचर हमारे को मिल पाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।